नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप CKMB की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हो। इस वीडियो में हमने एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। तो दोस्तों, यदि आप आपकी CKMB की किट किसी भी एनालाइजर पे प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन पैरामीटर्स की या जिस इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है वो सारे पैरामीटर्स और इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मिल जाएंगे या तो फिर आपके किट इंसर्ट में मिल जाएंगे। किट इंसर्ट आपको हर किट के अंदर दिया गया होता है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से ये पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन करना है और उसके मेन मेन्यू पर आ जाना है। एक बार आप यहाँ पर मेन मेन्यू पर आ गए तो यहाँ पर आपको टेस्ट ऑपरेशन सिलेक्ट करना है और लिस्ट में से यहाँ पर आपको ऐड न्यू टेस्ट सिलेक्ट करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट टेस्ट मोड, यानी कि यहाँ पर आपको मोड सिलेक्ट करना है कि आपका जो ये किट है CKMB का ये कौन सी मोड पर रन होता है, काइनेटिक मोड पे, एंड पॉइंट पे या किसी और मोड पे। ये जानकारी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में ढूंढ सकते हो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे यूवी काइनेटिक लिखा है, मतलब ये पैरामीटर जो है ये काइनेटिक मोड का पैरामीटर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने एक एरो भी दिया है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये इंक्रीजिंग काइनेटिक मोड का पैरामीटर है। तो कई बार आप इंस्ट्रूमेंट में जब काइनेटिक मोड एंटर करोगे तो इंस्ट्रूमेंट में आपको अगली इन्फॉर्मेशन जो एंटर करनी होगी वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग काइनेटिक की एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप इंक्रीजिंग काइनेटिक एंटर कर सकते हो। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज के हिसाब से हम यहाँ पर काइनेटिक मोड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी होगी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको एंटर करनी है वो नेम ऑफ द टेस्ट की एंटर करनी है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हो जो आपके लेबोरेटरी सेटिंग्स के हिसाब से सूटेबल हो। इस वीडियो में मैं MB नेम एंटर कर रहा हूँ। नेम एंटर होने के बाद में आप यहाँ पर एंटर का बटन दबा दीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाइए। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी है वो प्राइमरी वेवलेंथ की ऐड करनी है। यहाँ पर आपको दोबारा पैक इंसर्ट पढ़ना होगा और देखना होगा कि मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे कितनी वेवलेंथ मेंशन की है। अब क्योंकि इस केस में मैन्युफैक्चरर ने 340 नैनोमीटर मेंशन किया है और यहाँ पर भी जो डिफॉल्ट वेवलेंथ आ रही है वो 340 नैनोमीटर्स की आ रही है, तो इसलिए हम इस इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं करेंगे। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अपने पैक इंसर्ट में कहीं भी सेकेंडरी वेवलेंथ या सेकेंडरी फिल्टर की जानकारी नहीं दी है, इसलिए हम इस इन्फॉर्मेशन को छोड़ देंगे और इसको डिसेबल रखेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो टेम्परेचर की या फ्लो सेल टेम्परेचर की एंटर करनी होगी। अब फ्लो सेल का टेम्परेचर भी आप इस जानकारी को इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है फ्लो सेल का टेम्परेचर। अब क्योंकि यहाँ पर भी जो डिफॉल्ट टेम्परेचर मेंशन हो रहा है वो 37 डिग्री का ही हो रहा है, इसलिए हम इस इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको एंटर करनी होगी वो KF या काइनेटिक फैक्टर की एंटर करनी होगी। अब काइनेटिक फैक्टर को हम 1.0 ही मेंटेन रखेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की एंटर करनी होगी। एस्पिरेशन वॉल्यूम को आप 500 माइक्रोलीटर्स रहने दे सकते हैं या तो फिर आप अगर पूरी टेस्ट 500 माइक्रोलीटर्स में रन कर रहे हो तो आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को घटा करके 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी है वो यूनिट की ऐड करनी है कि आपका जो ये पैरामीटर है ये कौन सी यूनिट्स के हिसाब से मेजर होगा। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको देखना होगा लीनियरिटी का कॉलम। जो भी लीनियरिटी के आगे यूनिट मेंशन की हुई है वही यूनिट आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में एंटर करनी है। यूनिट्स ऐड करने के लिए हम ये यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और लिस्ट में से वो वाली यूनिट एंटर करेंगे जो यूनिट हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देखी थी। उसके बाद हमें अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है लैग टाइम और रीड टाइम की।
अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन लैग टाइम और रीड टाइम की भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने डिले टाइम के आगे 300 सेकंड्स लिखा है और रीड टाइम के आगे 120 सेकंड्स लिखा है। तो दोस्तों डिले टाइम और लैग टाइम दोनों एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली इस इन्फॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कई सारे केस में क्या होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें रीड टाइम एंटर करने का ऑप्शन नहीं होता है, उसमें आपको इंटरवल टाइम और नंबर ऑफ रीडिंग्स ऐड करने का ऑप्शन दिया गया होता है। तो इंटरवल टाइम और नंबर ऑफ रीडिंग्स की जानकारी यूज करते हुए आप रीड टाइम मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको एक रफ पेपर पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इस दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए रीड टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो रीड टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रीड टाइम इज इक्वल टू इंटरवल टाइम इनटू नंबर ऑफ रीडिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि आपका इंटरवल टाइम जो है वो 60 सेकेंड्स का है और नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है वो आपकी 3 है, तो आपका रीड टाइम हो जाएगा 60 × 3 इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स। अब यहां पर क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली रीड टाइम मेंशन किया है, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। तो इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए यहां पर आप लैग टाइम सिलेक्ट कीजिए और दोबारा से लैग टाइम सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आप वो वाली वैल्यू एंटर कीजिए जो वैल्यू आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी थी। वैल्यू ऐड करते ही आप एंटर का बटन दबाइए और यहां पर आप रीड टाइम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें एंटर कर लीजिए। यहां पर भी आप वो वाली वैल्यू एंटर कर लीजिए जो आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी थी। वैल्यू ऐड करने के बाद दोबारा आप एंटर का बटन दबाइए और एस्केप दबा दीजिए होम स्क्रीन पे आने के लिए। अगली इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर ऐड करनी है वो ब्लैंक सेटिंग्स की ऐड करनी है। यदि आपको रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है या आपको डिस्टिल्ड वाटर से ब्लैंक रन करना है। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग्स के आगे DW लिखा है, मतलब डिस्टिल वाटर से हमें ब्लैंक रन करना है। अब क्योंकि इस केस में हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है तो इसलिए ब्लैंक के आगे जो ऑप्शन नो लिखा आ रहा है हम इसको एडिट नहीं करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी है वो QC की ऐड करनी है। यदि लेबोरेटरी में किसी प्रकार का क्वालिटी कंट्रोल सीरम रन हो रहा है तो उस सीरम की, उस पर्टिकुलर बैच की आप नॉर्मल या एबनॉर्मल वैल्यूज आप यहां पर एंटर कर सकते हो। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहां पर ऐड करनी है वो नॉर्मल वैल्यूज की ऐड करनी है, मतलब पेशेंट के अंदर CKMB की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब वैसे तो लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए और वो वाली वैल्यू यहां पर एंटर करनी चाहिए, लेकिन लेबोरेटरी ने अगर अपनी नॉर्मल वैल्यूज एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप यहां पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हो। यहां पर मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यूज के नीचे यहां पर नॉर्मल वैल्यूज लिखी हुई है, तो आप ये नॉर्मल वैल्यूज भी आप अपने सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हो। वैल्यू ऐड करने के लिए आप नॉर्मल वैल्यू सिलेक्ट कीजिए और यहां पर ऑप्शन यस को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप ऑप्शन लो सिलेक्ट कीजिए, जो जीरो है तो हमें इसे एडिट करने की जरूरत नहीं है, और आप ऑप्शन हाई को सिलेक्ट कीजिए और यहां पर आप वो वाली वैल्यू ऐड कर दीजिए जो आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी थी। वैल्यू ऐड करने के बाद आप यहां पर एंटर दबा दीजिए और एस्केप कर दीजिए होम स्क्रीन पे आने के लिए। अगली वैल्यू जो हमें यहां ऐड करनी है वो स्टैंडर्ड की ऐड करनी है, यदि हमारे किट में स्टैंडर्ड अवेलेबल है या नहीं। अब ये जानकारी देखने के लिए भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं। अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया गया है किट के अंदर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टैंडर्ड या उसकी कॉन्सेंट्रेशन की जानकारी दी गई होगी। अब क्योंकि इस किट में स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है इसलिए मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर स्टैंडर्ड की जानकारी नहीं दी है, तो प्रोग्राम में भी स्टैंडर्ड के आगे नो लिखा आ रहा है, हम उसको एडिट नहीं करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो फैक्टर की एंटर करनी होगी। अब फैक्टर की जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने क्लियरली फैक्टर मेंशन किया हुआ है। अब इस फैक्टर को एंटर करने के लिए आप फैक्टर का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर वो वाली वैल्यू एंटर कर दीजिए जो आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी है।
वैल्यू ऐड करने के बाद में आप यहाँ पर एंटर दबा दीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाइए। अगली इन्फॉर्मेशन आपको जो ऐड करनी है वो लिमिट सेटिंग्स की एंटर करनी है, जो इसका मतलब यह है कि आपकी किट की इनिशियल एब्जॉर्बेंस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस कितनी होनी चाहिए और रिएजेंट लिनियरिटी कितनी होनी चाहिए। अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक एब्जॉर्बेंस लिमिट मेंशन करी है लेस देन 0.7 और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लिनियरिटी भी मेंशन करी है 2000 IU पर लीटर। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। तो हम इनिशियल ओडी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम 0.7 ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ा था और इसको हम एंटर कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस पर मिनट पे। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस पर मिनट की कोई जानकारी इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में नहीं दी है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम आएंगे रिएजेंट लिनियरिटी पे और इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और वहां पर वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देखी थी। उसके बाद हम यहां पर एंटर कर देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन या जिन जानकारी की जरूरत है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए वो हमने यहां पर ऐड कर दी है। प्रोग्राम सेव करने के लिए हम सेव का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा। प्रोग्राम ओपन करने के लिए आप लिस्ट टेस्ट में जाइए और वो वाली विंडो पे जाइए जिस विंडो पे आपका प्रोग्राम सेव हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम 87 नंबर पोजीशन पर यहाँ पर सेव हुआ है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यदि आप पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा कि किस तरीके से आप सैंपल रन कर सकते हो और उसकी एब्जॉर्बेंस ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।